नमस्कार। क्रिकेट खेल के प्रेमियों के लिए आईपीएल 2021 से जुड़ी एक अच्छी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक अब 19 सितंबर से आईपीएल 2021 टूर्नामेंट शुरू होगा और 15 अक्टूबर को इसका फाइनल मैच खेला जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 मई को कोरोना के चलते आईपीएल के 14वें सीजन को स्थगित कर दिया गया था। 2 मई तक कुल 29 मुकाबले खेले गए थे। आईपीएल 2021 के स्थगित होने तक दिल्ली कैपिटल 8 मैचों में से 6 मैच जीतकर पहले स्थान पर थी, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स 5 मैचों को जीतकर दूसरे स्थान पर काबिज थी। अब जब कोरोना थम गया है तो एक बार फिर आईपीएल 2021 के शेष मैच 31 मैच को कराने की तैयारी शुरू हो गई है। बीसीसीआई अधिकारी के हवाले से एएनआई समाचार एजेंसी ने कहा है कि आईपीएल के आयोजन को लेकर बीसीसीआई और अमीरात क्रिकेट बोर्ड के बीच बातचीत चल रही है। भारतीय बोर्ड का भरोसा है कि दुबई, शारजाह और अबू धाबी में सफलता से टूर्नामेंट पूरा करा लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक एएनआई ने कहा है कि अमीरात क्रिकेट बोर्ड मौखिक रूप से टूर्नामेंट कराने की मंजूरी दे चुका है। इसके बाद पिछले सप्ताह हुई मीटिंग में इस पर मुहर भी लगभग लग चुकी है, जिसके तहत आईपीएल के दूसरे हाफ का पहला मैच 19 सितंबर को होगा और फाइनल मैच 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। बीसीसीआई 25 दिन के समय में बचे हुए मैच को कराने पर ध्यान दे रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल 2021 में 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें धोनी के कप्तानी के नेतृत्व में चेन्नई की टीम, विराट कोहली के नेतृत्व में बंगलौर की टीम, मॉर्गन के कप्तानी की में कोलकाता की टीम, रोहित शर्मा के नेतृत्व में मुंबई की टीम, संजू सैमसन की कप्तानी में राजस्थान की टीम, शिखर धवन के नेतृत्व में दिल्ली की टीम, केएल राहुल की कप्तानी में पंजाब, केएल विल्सन की कप्तानी में हैदराबाद की टीम मैदान में एक बार फिर अपना जलवा दिखाएगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक व शेयर अवश्य करें। आप इस खबर को विस्तृत रूप से हमारे वेबसाइट 24timestoday.com पर भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।